हेलो भाई, तो स्वागत है आप सबका टीम सोरेन में। बात करने वाले हुए इतना जो आज का मैच यहाँ से रहने वाला है, किस किस के बीच में। एक तरफ है एक रॉयल्स राजस्थान रॉयल्स, दूसरी तरफ है आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जो टीम रहने वाली है। अब क्या इस मैच के रिलेटेड यहाँ से भाई सारी चीज़ें रहती है, क्या जो है टीम निकल कर आती है, क्या एनालिसिस रह सकता है इस मैच के रिलेटेड, कौन सा डिफरेंशियल पिक बनेगा कौन सा नहीं, सारी चीज़ें यहाँ से जो डिस्कस करने वाला है। तो वीडियो आखिर तक देखना, तभी भाई सारी देखो पता चलेगा। वरना अगर बीच में से कहीं स्किप करोगे, कुछ भी मिस कर दिया, सोचो अगर आपने थोड़ा सा पार्ट मिस किया तो गिव अवे मिस हो गया, तो जो कि आपके लिए आगे इस वीडियो में, क्योंकि एक सवाल पूछा है उसका जवाब देखिए आप गिव अवे विन कर सकते हो। बेस्ट कमेंट का भी गिव अवे होता है, ठीक है, तो बस बिल्कुल नहीं करना है ना, वीडियो को आखिर तक देखना है। और बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैं बोलूँगा सिर्फ यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे सबसे बड़ा एक एग्जांपल है इनिंग वाइज, कौन से इनिंग में कौन सा खिलाड़ी चल सकता है, नहीं पहले किस में चला है, पहले उसके क्या रिकॉर्ड्स है, पिछली 6 इनिंग्स कैसे खेली है उसने, उस टीम के अगेंस्ट में भी उसने, इस वेन्यू पर भी क्या उसका हेड टू हेड रिकॉर्ड है, क्या वेन्यू है, क्या रिसेंट फॉर्म है, कौन से खेल सकते हैं कौन से नहीं खेल सकते, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आखिर तक देखोगे तो पूरा आपको जो है यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। और बाकी पिछले जो वीडियो था ना उसमें मैंने आपको क्या बताया था, ₹1 में आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो, बट उसमें एक ना एक चीज़ थी कि ₹1 में एक ही टीम लगा सकते थे, तो सिंगल धमाका हुआ, आज है डबल धमाका। ₹1 में तुम दो टीम लगा सकते हो और यहाँ से दो मेगा कॉन्टेस्ट में बोलूँगा ज्वाइन कर सकते हो, तो है ना फ़ायदे वाली बात। अब ये कैसे होगा, कहाँ होगा, किस तरीके से होगा, सारी बातें आगे करने वाले वीडियो में, तो ध्यान से देखना, ठीक है। चलते हैं ज़रा मैच के ऊपर, बट उससे पहले एक और चीज़ कि अगर वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया हुआ है फटाक से जाके कर लो, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी जो काफ़ी सारी अपडेट्स है, टीम्स है, गिवअवेज है ना, वो वहाँ भी आते हैं। तो मिस बिल्कुल नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में पिन, जहाँ से सही लगे वहाँ से कर लेना, बट कर ज़रूर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं जरा मैच के ऊपर। बाकी मैच होने वाला है जयपुर में। देखो भाई, अभी तक ना एक बोल सकते हैं अगर यहाँ से इस आईपीएल में किसी ने शुरुआत की, क्योंकि अभी तक हमने देखा होम टीम विन कर रही है, इवन कल के मैच में हैदराबाद जीत गई थी, हैदराबाद के अंदर सीएसके हार गई थी, तो यहाँ से ना अभी तक हम देख रहे हैं कि होम टीम यहाँ से बढ़िया तरीके से विन कर रही है। रिस्पेक्ट कुछ अगर एक्सेप्ट मैं यहाँ से एक्सेप्शन छोड़ दूँ तो जैसे आरसीबी, गुजरात टाइटंस जो एक हारी, ठीक है, उसके अलावा मुंबई इंडियंस, ये अगर 2-3 मैचेस में छोड़ दूँ तो कहीं ना कहीं होम टीम का दबदबा रहा है, ठीक है। और आरसीबी इकलौती ऐसी टीम है, पहली ऐसी टीम बोल सकते हो जो बनी थी इस सीज़न की, जो अपने होम ग्राउंड पर हार गए थे, और पूरा सीज़न अब तक इनका ज़्यादा अच्छा गया नहीं है, एक मैच गिनती का ये जीते पंजाब किंग्स से, तो ज़्यादा बेहतर कुछ आरसीबी कर नहीं पाई है बिल्कुल। अभी तो हम बॉटम पर मैं बैठूँगा, बॉटम ऑफ द टेबल पर तो नहीं, बट हाँ लास्ट के टॉप 4 में एक नाम यहाँ से आरसीबी का है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स है जो अभी तक हारी नहीं है, उनको हार का स्वाद यहाँ से आरसीबी इस बार कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ चखा सकती है, बट ये होम ग्राउंड रहेगा जयपुर, ठीक है, मतलब राजस्थान का होम ग्राउंड है, तो डेफिनेटली राजस्थान का थोड़ा सा पलड़ा भारी जरूर मानकर चलना। बाकी इस ग्राउंड पर बात की जाए तो भाई टारगेट ना यहाँ पर चेज होते हैं। अगर नॉर्मली आप पिछला कोई भी रिकॉर्ड उठाकर देखोगे इस ग्राउंड का, आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर ना टारगेट चेज होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे 170 बने, चाहे 180 बने, चाहे 160 हो, 150 हो, टारगेट चेज हो जाते हैं। बट इस सीज़न जो बात है वो थोड़ी सी अलग रही है, क्योंकि इस सीज़न अब तक 2 मैचेस हो चुके हैं। एक में राजस्थान ने 193 बना दिए थे, जो उन्होंने भाई 20 रन से मुकाबला जीत लिया लखनऊ के अगेंस्ट में, ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए। एक बार राजस्थान ने 28 मार्च को, 4 दिन बाद ही मैच हुआ था, 4-4-5 दिन के गैप में और इनके। बाकी राजस्थान ने 185 बनाए थे, डीसी की टीम भाई 173 पर ही रुक गई थी। दोनों बार इन्होंने टीम को 173 पर ही रोक दिया। 6 विकेट पेस के थे, 4 विकेट स्पिन के थे, उससे पहले 7 विकेट पेस के थे, 3 विकेट स्पिन के थे। कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा दो मैच देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई ये पिच कहीं ना कहीं अभी के लिए पहले बैटिंग करते हुए 180 वाली पिच तो है, एंड अगर 180 आरसीबी की बॉलिंग के हिसाब से देखें तो 180 डिफेंड हो सॉरी चेज हो सकते हैं, माफ़ करना 180 चेज हो सकते हैं, बट अगर राजस्थान की बॉलिंग के नज़रिए से देखें तो हाँ भाई 180 डिफेंडेबल टोटल इस ग्राउंड पर बनता है। तो आरसीबी तो अगर पहले बैटिंग करते हो उनको तो 10-20 रन और फालतू बनाने पड़ेंगे, ठीक है। नॉर्मली मेरे को लग रहा है यहाँ पर कोई भी टीम बैटिंग फर्स्ट करे 180-185 रन तो यहाँ पर बनने चाहिए। विकेट्स की बात करें पिछले 4 मैचेस में तो आपको ऑब्वियसली थोड़े स्पिन के विकेट यहाँ पर देखने को मिल जाते, क्योंकि अभी तक भी क्या है 3 और 4 विकेट स्पिन के देखने को मिले हैं। इवन पेसर्स ने विकेट निकाले बट स्पिन का भी कहीं ना कहीं रहा है, 19 विकेट स्पिन के हैं, 23 विकेट पेस के हैं। पहली इनिंग में स्पिन के विकेट थोड़े से कम होते हैं, सेकंड में ज़्यादा होते हैं, पेसर्स के पहली इनिंग में 11, सेकंड इनिंग में 12 विकेट्स हैं। आते हैं ज़रा आगे निकलकर राजस्थान की जो भाई यहाँ से प्लेइंग 11 निकल कर आती है। प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल है, अभी तक का स्कोर देखे भाई आउट ऑफ फॉर्म अभी के लिए रहे हैं, आज के लिए भी जोश बटलर को भी और जायसवाल को भी दोनों को दिक्कतें होने वाली। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, बटलर ने जो 2 इनिंग खेली है लास्ट टाइम, एक तरीके से ये फोन कर चलो एक प्रेस्ट और देता हूँ,
बटलर ने जब लास्ट टाइम रन बनाए थे ना बेंगलोर के अगेंस्ट में, सीधी सेंचुरी बनाती थी, क्योंकि उसके बाद और दो मैचेस खेले बट रन नहीं बनाया, दोनों बार जीरो पर आउट हुआ है बटलर यहाँ से अगेंस्ट आरसीबी। तो भाई हो सकता है या तो जोश बटलर आपको बहुत अच्छा करता हुआ दिख जाएगा इस मैच में, मतलब एकदम 70-80 रनों वाली पारी खेलता हुआ दिखेगा, या फिर हो सकता है भाई यहाँ से 10 से भी नीचे रनों पर जो है आपको बटलर आउट होता हुआ दिख जाएगा। एंड सेम गोज विद जायसवाल, जायसवाल के तो ऐसा बोल सकते हो कि रन ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है, अगेंस्ट आरसीबी। बाकी संजू सैमसन है जो मे बी आपको रन बनाता हुआ दिख सकता है, पहले में 82 थे, दूसरे में 15, तीसरे में 12, कहीं ना कहीं बैटिंग देख कर लगा कि संजू सैमसन सही खेल रहा है, बट कहीं ना कहीं एक बॉल है जो भाई आउट कर जाती है संजू सैमसन को। बाकी उसके बाद में रियान पराग ऑब्वियसली अच्छी फॉर्म में दिख रहा है, देन यहाँ से शुभम दुबे है, अच्छे स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है भाई, ये भी अच्छी हिटिंग करता है, ये मान के चलो कि आपको ये भी किसी ना किसी मैच में एकदम वो शशांक सिंह वाला, क्योंकि अभी के लिए कंपैरिजन करने के लिए देखो वही खिलाड़ी है मेरे पास में, ठीक है, और कोई वैसा अभी निकला नहीं है, बट हाँ शुभम दुबे भी आपको बढ़िया हिटिंग करता है, तो भाई कहीं ना कहीं वैसा परफॉर्मेंस आपको आगे वाले आने वाले मैचेस में दिखाता दिख जाएगा। पिछले में ज़्यादा मौका था नहीं, 8 ही बनाए थे, उससे पहले अगर रिसेंट देखोगे आप इनका डोमेस्टिक में 44, 62, 41 की पारियां खेल रखी है, एक थोड़ा हिट और मिस टाइप खिलाड़ी है, इसीलिए या तो जल्दी चला जाता है या एकदम बढ़िया हिटिंग करके 40-50 बना के जाता है। ध्रुव जुरेल है, उसके बाद में हेटमायर है और अश्विन है, ये चार खिलाड़ी एक तो ऐसे मानकर चलो जिनका बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल कन्फर्म नहीं है ना अश्विन का, क्योंकि अश्विन हमने हेटमायर और जुरेल से भी पहले बैटिंग करते हुए देख लिया, हमने अश्विन को नोरखिया को 2 छक्के लगाते हुए देखा, और अश्विन पिछले मैच में 16 बॉल में 16 बना कर गया था। बाकी उसके बाद में हेटमायर और ध्रुव जुरेल आते हैं, हेटमायर तो देखो ज़्यादा चला नहीं है, हेटमायर ने आज तक आरसीबी के अगेंस्ट में, या मैं बोलूँ इस ग्राउंड पर, आज तक सिर्फ एक ही बार रन बनाए, सिर्फ एक बार, बाकी सब मैचेस में हेटमायर फ्लॉप गया है या फिर उसके रन आए नहीं है। ध्रुव जुरेल की बात करें ठीक ठाक देखो अभी तक तो भाई देखने को मिला है, 2 मैच है, दोनों में 20 बनाए हैं। उसके बाद में अश्विन है, विकेट ज़्यादा अश्विन ने निकाले नहीं है, 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट है। आवेश खान है, अभी तक वो 1-1 विकेट के साथ में दिखे, बट ओवरऑल जो आवेश खान की बॉलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई दी है। ट्रेंट बोल्ट चांस बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि सामने एक तो हमारा इंडियन बैटर रहने वाला है विराट कोहली, सबको पता है कि भाई लेफ्ट आर्म पेसर, वो भी इतना क्वालिटी लेफ्ट आर्म पेसर इंडियन बैटर्स को कहीं ना कहीं आउट कर सकता है, वो हमने देख भी लिया पिछले मैच में। दूसरी तरफ फाफ डू प्लेसी है, वो खुद 4-5 बार आउट हो चुका है बोल्ट के अगेंस्ट में, तो बोल्ट भाई कहीं ना कहीं चांस ज़रूर है कि भाई वो वापस एक आपको फुटबॉल का स्कोर दिखा सकता है पहले ओवर में ही, तो ग्रैंड लीग की टीम में ज़रूर आप वो ट्राई करना आरसीबी की तरफ से टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करके बोल्ट को सीवीसी करने का। और साथ में रहेगा यहाँ से नांद्रे बर्गर, एक और यहाँ से ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म पेसर जो अभी तक तो मैं बोल सकता हूँ भाई 3 मैच में 5 विकेट निकाल चुका है। आगे आते हैं तो आपको राजस्थान की बेंच में देखा जाए तो संदीप शर्मा है जो फिलहाल के लिए तो मैं बोलूँगा पिछले मैच में बाहर थे, उसके बाद में चहल है जो आपको एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेलता हुआ दिख जाएगा, 3 विकेट यहाँ से भाई निकाले, 2 और 1 विकेट, अभी तक का फॉर्म अच्छा रहा है, बट यहाँ भी एक ऐसी चीज़ है जो इनिंग वाइज में जाके ज़रा डिस्कस करेंगे चहल के रिलेटेड। बाकी पावेल है, अभी तक तो देखो मौका मिला नहीं है, राजस्थान की टीम ऐसी है जो इम्पैक्ट प्लेयर का एकदम बढ़िया तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास में बॉलिंग भाई पूरी हो जाती है, अब ये नांद्रे बर्गर को रखते हैं, पावेल को रखते हैं सब्स्टिट्यूट के लिए, ज़रूरत पड़ी बैटिंग की पावेल को बुला लेंगे, ज़रूरत पड़ी बॉलिंग की नांद्रे बर्गर तो फिर आपके पास में रहता ही है, क्योंकि अभी तक पावेल की ज़रूरत पड़ी नहीं है बैटिंग से, क्योंकि भाई अच्छा खेल रहे हैं ऑब्वियसली है, तो इस वजह से पावेल अभी तक आपको इम्पैक्ट में देखने को नहीं मिला, बट आगे आने वाले मैचेस में किसी न किसी में देखने को मिल जाएगा। कुणाल सिंह राठौड़ है, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इनका भी आप बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक देखने को मिला, अच्छे बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड बैटर। टॉम कोलर कैडमोर वही है, चांस थोड़ा सा कम है यहाँ से खेलने का, बट मेरे ख्याल से खिला लेना चाहिए, चौथे पाँचवें नंबर पर स्पेशली बैटिंग मिल सकती है कैटमोर को, मे बी हेटमायर की जगह पर, भाई हेटमायर को उन्होंने एज अ पिंच हिटर कहीं ना कहीं खिला रखा है लास्ट के लिए, डोनोन फरेरा है इनके पास में, ज़्यादा यूज़ फरेरा का होता नहीं है। उसके बाद में यहाँ से बेंच में और देखे जाए नवदीप सैनी, इनके पास में भाई एक पेसर अवेलेबल है जो कि काफ़ी बेहतर अच्छी पेस के साथ में डालता है, डोमेस्टिक भी इनका अच्छा गया था। कुलदीप सैन है यहाँ से, लास्ट सीजन ठीक ठाक विकेट इनके नाम थे। आबिद मुश्ताक है, तनुष कोटियान है और केशव महाराज भी याद रखना अब एज एन ओवरसीज प्लेयर राजस्थान की टीम में है, क्योंकि ये प्रसिद्ध कृष्णा के सब्स्टिट्यूट है। ओवर्स की बात की जाए तो ट्रेंट बोल्ट आपको, नांद्रे बर्गर साथ में, भाई ये दोनों ऐसे हैं जो आपको पावर प्ले बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है, मोस्टली यही दोनों हैं जो आपको पावर प्ले बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, ज़्यादा नहीं, पावर प्ले में बस एक है कि बर्गर आपको डालता हुआ दिख सकता है, बर्गर प्लस आवेश खान, एंड साथ में इन दोनों स्पिनर में से कोई एक आ जाएगा, मोस्टली वो चहली रहेगा जो एक ओवर और डेथ का डालेगा, ठीक है, ये हो सकता है। और बोल्ट से उम्मीद कर सकते हो कि डेथ में डाल भी सकता है, डेथ में नहीं भी डाल सकता, क्योंकि बोल्ट ने अगर बहुत अच्छी बॉलिंग की जैसे पिछले मैच में थी, पहले 3 ओवर पावर प्ले में खत्म हो जाएंगे डेफिनेटली, उसके बाद में 1 ओवर आपको 7 से 15 के बीच में देखने को मिल जाएगा, नहीं तो फिर वो 16th ओवर आ जाता है, ठीक है, बोल्ट के साथ में ही होता है। तो ये है भाई ओवर्स की कहानी। अश्विन मोस्टली अपने भाई पूरे यहाँ से ऐसा रहता है कि मिडल ओवर में बॉलिंग करता है, और अश्विन के लिए आज सामने को इतने लेफ्ट हैंडर्स रहने भी नहीं वाले,
नहीं तो ये है अभी के लिए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो पूरी प्लेइंग राउंड के बेंच प्लेयर रहते हैं। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ ऑफर के बारे में, ठीक है, कि भाई कैसे आप जो है आज के लिए धमाका कर सकते हो एकदम मेगा कॉन्टेस्ट दो बार ज्वाइन करके, वो भी सिर्फ एक रुपये में, ठीक है। एक रुपये में भाई आप दो टीम्स यहाँ से लगा सकते हो। कल सिर्फ एक टीम के साथ में मौका था, बट आज मौका रहेगा दो टीम्स के साथ में ग्रैंड लीग जीतने का, जहाँ पर आपको पता है फर्स्ट प्राइज़ भी जो है वो 1 करोड़ का है। एक भी नहीं, मैं बोलूँगा आज के लिए तो 1.5 करोड़ का है, ठीक है। आज के लिए तो 1.5 करोड़ का प्राइज़ है, साथ में मैं बोलूँगा गाड़ी भी मिल रही है। तो बस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हर मैच में रहता है और इवन उससे ऊपर भी जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है माइलन सर्कल का, कर लेना डाउनलोड। एंड डाउनलोड करने के 1 घंटे के अंदर अंदर जो आप मेगा ग्रैंड लीग ज्वाइन करोगे तो आप 1 रुपये की एंट्री फीस सिर्फ आपको देनी होगी, एंड दो टीम्स आप यहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हो, दो मैच कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो बढ़िया तरीके से। तो अलग अलग टीम लगाना एंड ज़बरदस्त तरीके से रिस्क लेना, देखो पहले बताता हूँ। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कोड भी है, कोड यूज़ करते हो तो 20% आपको एक्स्ट्रा कैश भी मिल जाएगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर। मतलब समझो आप कितना भी डिपॉजिट करते हो उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा जोड़ देना यहाँ से, ठीक है, बात बन जाएगी एकदम। 20% एक्स्ट्रा कैश है और 1500 रुपये का बोनस भी मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी चलते हैं ज़रा आरसीबी के ऊपर क्या रहती है भाई इनकी कहानी। हमारा एडिटर साहब ने बेंगलुरु लिख दिया, हालांकि है तो ये बेंगलुरु ऑफिशियल अगर देखा जाए तो नहीं। बाकी चलो आगे बात करते हैं, छोटे से मिस्टेक है, बेंगलुरु सब चल जाएगा। बाकी देखो इधर से फाफ डू प्लेसिस है भाई, अभी तो ज़्यादा खास इन्होंने किया नहीं है। आज के लिए भी दिक्कत रहेगी ट्रेंट बोल्ट से दोनों ही खिलाड़ियों को, इवन विराट कोहली को भी, एंड यहाँ से अगर बात की जाए फाफ डू प्लेसिस को भी। और स्पेशली आपको बताता हूँ फाफ डू प्लेसिस का रिकॉर्ड फिर भी ठीक ठाक है, ठीक है। विराट कोहली का रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर है नहीं राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट में, एवरेज भी जो है वो 30 से नीचे देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कम टीम के अगेंस्ट में। बाकी विराट कोहली का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो भाई 21 थे पहले में 77-83, और उसके बाद में पिछले मैच में 22 पर आउट हो गए। उसके बाद में फाफ डू प्लेसिस है जो अभी तक तो मैं बोल सकता हूँ चेन्नई के अगेंस्ट में 35 आए थे, उसके बाद में लगातार 3 इनिंग फ्लॉप है। कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार, दोनों में से कोई भी 3 नंबर पर खेलने आ सकता है, क्योंकि अभी तक क्या देखने को मिला है एक मैच में ग्रीन आ जाता है एक मैच में पाटीदार आ जाता है, बट कहीं ना कहीं पाटीदार के चांस भी बनेंगे। क्यों बनेंगे, पिछले मैच में ना 29 बना दिए थे पाटीदार ने 3 नंबर पर खेलते हो, तो हो सकता है भाई 3 पर पाटीदार ही कंटिन्यू करे। बाकी मैक्सवेल, मेरे को क्या लग रहा है ये वाला मैच कहीं ना कहीं एक वो ब्रेक थ्रू मैच होगा मैक्सवेल के लिए। अभी तक रन आए नहीं है, 4 मैच हो चुके हैं, पहले में 0 पर आउट, दूसरे में 3 पर, तीसरे में 28, चौथे में 0 रन। इस मैच में विकेट डेफिनेटली भाई ऐसा रहेगा कि एक निकाल सकता है, ठीक है। आपको वो अगर जायसवाल पहले 3 ओवर में आउट नहीं हुआ तो वो चौथे 5वें ओवर में आपको मैक्सवेल आता हुआ दिख जाएगा जायसवाल की वजह से, बट बॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बैटिंग से अच्छा हो सकता है। 50 का एवरेज है मैक्सवेल का, इवन पिछली कुछ पारियां जो इन्होंने अगेंस्ट राजस्थान खेली है उसमें भी रन्स बनाए हैं। मैक्सवेल के लिए मेरे को लगता है ये वाला मैच होगा जिसमें कि बेहतर आपको करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ना तो कोई बहुत ज़्यादा पेस डालने वाला बॉलर सामने है, ठीक है, ना यहाँ से कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मैक्सवेल को आउट करने वाला सामने। लेग ब्रेक बॉलर रहेगा युजवेंद्र चहल, जिसको अच्छा खेलता है, अश्विन रहेगा जिसको मैं बोलूँगा ठीक खेल लेता है मैक्सवेल। तो यहाँ से आई थिंक इस बार मैक्सवेल की आपको एक बढ़िया पारी आते हुए दिख सकती है। तो एक कहीं ना कहीं जिनको रिस्क लेना है वो सीवीसी कर सकते हो, क्योंकि अगर देखो बाय चांस अगर ये जल्दी आउट हो भी गया तो आपको बॉलिंग से पॉइंट दे देगा, तो उतनी दिक्कत बनती नहीं है मैक्सवेल के साथ में। बाकी मेरा कहीं ना कहीं आज कप्तान हो सकता है। उसके बाद में अनुज रावत है, दिनेश कार्तिक है, बहुत नीचे आते हैं बैटिंग ऑर्डर में। यश दयाल है, एक एक विकेट अभी तक 4 मैचेस में यश दयाल का रहा है। रीश टोपले की बात की जाए भाई, रिसेंट फॉर्म ऐसा है कि एक एक दो दो विकेट निकाले, पिछले मैच में इनका नाम 1 विकेट था। उसके बाद में है मयंक डागर, ज़्यादा विकेट तो नहीं है, 4 मैच हुए जिसमें से 2 में तो उन्होंने 2-2 ओवर ही डाले, 1 में भाई पूरे ओवर थे जिसमें 1 विकेट है, 1 में 0 विकेट देखने को मिला है। मोहम्मद सिराज से ज़्यादा विकेट यहाँ मैक्सवेल ने निकाल लिए, ठीक है, मैक्सवेल के 4 विकेट है, सिराज के अब तक 4 मैच में 3 ही विकेट है, बट मे भी सिराज आपको 1-2 विकेट निकालते हुए दिख जाएगा इस मैच में। बाकी अगर हम आरसीबी के बेंच की बात करें तो भाई अल्जारी जोसेफ है, हालांकि एक चीज़ और है कि मे भी आपको रीश टोपले, क्योंकि पिछले मैच में उतना इफेक्टिव दिखा नहीं, तो एक और चेंज हो सकता है आरसीबी में कि भाई रीश टोपले की जगह पर भी आपको लोकी फर्ग्यूसन देखने को मिल जाए इस मैच में, ठीक है। और कैमरन ग्रीन, जिन्होंने ज़्यादा खास अभी तक परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है, उनकी जगह पर विल जैक्स देखने को मिल जाए। बट दिक्कत क्या है ना आरसीबी के लिए विल जैक्स को खिलाने में, कि भाई आखिर इस बंदे को खिलाए तो खिलाएगा, ठीक है, विल जैक्स, क्योंकि नॉर्मली ओपन करता है ओपनिंग में विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस है। अब सबका बैटिंग ऑर्डर एक एक नीचे चला जाएगा इनकेस अगर विल जैक्स खेला और ओपनिंग कराई गई, तो फाफ डू प्लेसिस जाएगा 3 पर या फिर विराट 3 पर जाएगा, और मेरे को नहीं लगता विराट यहाँ से 3 पर जाएगा, विराट एज एन ओपनर रहेगा। फाफ डू प्लेसिस को अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी 3 पर, फिर उसके बाद में मैक्सवेल
मैक्सवेल 4, ग्रीन या पाटीदार आएगा 5 पर, और ग्रीन तो चलो ऑब्वियसली फिर बाहर होगा, तो पाटीदार आएगा 5 पर, फिर अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, लोमरोर, ये सब रहेंगे। ठीक है, बाकी एज अ इम्पैक्ट प्लेयर आरसीबी की तरफ से आपको लोमरोर खेलता हुआ दिख सकता है, पिछले मैच में थे भाई 33। उसके अलावा अल्जारी जोसेफ है, वैसक विजय कुमार है, टीम को अगर बॉलिंग की जरूरत हुई तो वैसक विजय कुमार भी आ सकता है। जिस मैच में खिलाया गया था बॉलिंग ठीक की थी, इकनो में भी काफ़ी ठीक थी, और उसके अलावा विकेट भी इन्होंने निकाला था। करण शर्मा है, मयंक डागर को रिप्लेस करने के चांस हर बारी बन रहे बट कर ही नहीं रहे। उसके बाद में आकाशदीप यहाँ से काफ़ी बेहतर बॉलर है, अगर टीम रिस्क ले तो सिराज की जगह पर खिला सकती है आकाशदीप को। उसके बाद में प्रभु देसाई एंड देन सौरव चौहान देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर बात की जाए तो विल जैक्स है, टॉम करन है, मनोज भानगड़े रहेंगे, काफ़ी अच्छे डोमेस्टिक खिलाड़ी है। उसके बाद में स्वप्निल सिंह है, बहुत ज़्यादा इंप्रेस तो नहीं किया हुआ देखो डोमेस्टिक में। उसके अलावा लोकी फर्ग्यूसन, रिसेंट फॉर्म बहुत बढ़िया है फर्ग्यूसन का, हिमांशु शर्मा है, राजन चौधरी है लेफ्ट आर्म पेसर, काफ़ी बढ़िया बॉलर है। ओवर्स की बात करें, रीश टोपले देखो अगर मैं मान के चल रहा हूँ अभी के लिए रीश टोपले ये शुरुआत में, यश क्या बोलते हैं, अगर लोकी फर्ग्यूसन आ गए तो लोकी फर्ग्यूसन मान लेना। बाकी रीश टोपले है जो आपको पावर प्ले बॉलिंग करता हुआ दिख जाएगा, सेम गोज विद यश दयाल एंड सिराज, ये तीनों दिखेंगे आपको पावर प्ले में भाई ओवर बांटते हुए यहाँ से। इनमें से कोई एक एक ओवर ही डालेगा, बाकी दो दो ओवर डालकर जाएंगे। डेथ बॉलिंग की बात की जाए, आपको सिराज डेथ में डालता हुआ दिखेगा, आपको यहाँ से क्या बोलते हैं यश दयाल डेथ में डालता हुआ दिख सकता है, इवन ग्रीन भी आ सकता है, बट पिछले मैच में महंगा साबित हुआ था तो थोड़े चांस कम बनते हैं, तो आप कहीं ना कहीं डेथ बॉलिंग भी इन्हीं तीन की तरफ से कंसिडर कर सकते हो। मैक्सवेल मिड ओवर डालता है, पावर प्ले में भी आ सकता है अगर जायसवाल पहले दो तीन ओवर में आउट नहीं हुआ। मयंक डागर रहेगा यहाँ से, उसके बाद में कैमरन ग्रीन है। नेक्स्ट आते हैं जरा वेन्यू पर, तो भाई 8 में से 4 जीते आरसीबी की टीम ने, 4 हारे हैं। और अगर राजस्थान की बात की जाए, इनका रिकॉर्ड ऑब्वियसली इनके होम ग्राउंड में बेहतर है, 59 में से 40 जीते, 19 हारे हैं। रन्स के मामले में संजू सैमसन है सबसे ऊपर, 32 का एवरेज रहता है संजू सैमसन का इस ग्राउंड पर। बटलर वैसे तो अच्छा खेलते हैं, 41 का एवरेज, बट पिछले दो मैचेस में अब तक सिर्फ 11 ही बनाए इन्होंने। उसके अलावा जायसवाल है, 11 मैच में 320 भाई इनके नाम भी है, 29 का एवरेज है ओवरऑल इस ग्राउंड पर। रियान पराग का एवरेज अच्छा हो चुका है, वो पिछली दो पारियां जो उन्होंने इस ग्राउंड पर बेहतर खेली है उस वजह से, वरना रन्स तो इनके भी नहीं थे, बट हाँ अभी के लिए अच्छी फॉर्म में चल रहा है, एकदम चेंज खिलाड़ी दिख रहा है रियान पराग, तो मैं पिछले रिकॉर्ड को ज़्यादा यहाँ से कंसिडर करूँगा नहीं रियान पराग के लिए। बाकी लोमरोर है, 8 मैच में 168 लोमरोर के, एंड विराट कोहली ने 8 मैच में 149 इस ग्राउंड पर बनाए हैं एवरेज। आप देखोगे तो भाई मात्र और मात्र इस ग्राउंड पर जो विराट का एवरेज है T20 में 21.29 का ही रहता है। विराट ने ज़्यादा रन्स इस ग्राउंड पर नहीं बनाए, इवन हाइएस्ट आप देखोगे तो सिर्फ 39 है। जीएल में ड्रॉप करने के लिए एक बेहतर खिलाड़ी आपको मिल चुका है विराट कोहली, फाफ डू प्लेसेस वगैरह। बाकी युजवेंद्र चहल इस ग्राउंड पर तो अच्छा करते हैं, 13 मैच में 17 विकेट्स हैं इनके नाम। उसके बाद में अश्विन है, 14 इनिंग में 12 विकेट के साथ में। करण शर्मा 12 मैच में 11 विकेट है। तनुष पोटियान के 4 मैच में 6 और ट्रेंट बोल्ट के 6 मैच में अब तक इस ग्राउंड पर हो चुके हैं 6 विकेट्स। बात करें ज़रा आगे तो हेड टू हेड मैचेस, भाई हेड टू हेड में आपको आरसीबी थोड़ा सा आगे दिख जाती है, 3 मैच आगे है, बट अभी के हिसाब से अगर हम फॉर्म कंसीडर करें तो ऑब्वियसली राजस्थान रॉयल्स बहुत आगे है भाई अभी इस सीज़न के हिसाब से अगर जब हम देखने जाते हैं। बाकी इस ग्राउंड पर दोनों टीम्स ने 8 मैच खेले, 4-4 अभी तक बराबर चल रहा है। रन्स की बात की जाए तो मात्र आपको एवरेज देखने को मिलता है विराट कोहली का 25.75 का, 30 से कम ही वेन्यू पर है और 30 से कम ही एवरेज आपको हेड टू हेड में देखने को मिलता है विराट का। संजू सैमसन 17 मैच में 344 है, 21 का ही एवरेज संजू का रहता है। जोश बटलर पसंद करते हैं हालांकि, 10 मैच में 320 है, बट फिलहाल के लिए जोश बटलर का फॉर्म थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैक्सवेल 5 मैच में 205 है, 50 का एवरेज है मैक्सवेल का। डू प्लेसेस 5 मैच में 194, तकरीबन सेम रन है, 38 का एवरेज यहाँ से डू प्लेसेस का है। दिनेश कार्तिक ने 7 मैच में 107 बनाए हैं। इनके लिए आज के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है चहल, लेग स्पिन के अगेंस्ट में दिनेश कार्तिक बहुत खराब खेलता है। रियान पराग ने 4 मैच में भाई 106 बना रखे हैं आरसीबी के अगेंस्ट में, और जायसवाल ने 5 मैच में मात्र अब तक 100 ही रन बनाए हैं आरसीबी के अगेंस्ट में, जिसमें एक पारी 47 रन की थी, बाकी 4 पारियों में ज़्यादा कुछ किया नहीं है, 51 रन बनाए हैं, 20 का एवरेज रहता है। बॉलिंग की बात करें, सिराज है हाइस्ट विकेट टेकर 9 मैच में 9 विकेट के साथ में। अश्विन के नाम 5 मैच में 5 है, बोल्ट के नाम 4 मैच में 5 विकेट। कुलदीप सेन ने सिर्फ एक ही मैच खेला है जिसमें उन्होंने 4 विकेट निकाल दिए थे, और युजवेंद्र चहल के 5 मैच में आपको 3 विकेट देखने को मिल जाते हैं। अब ज़रा बात करते हैं देखो इनिंग वाइज की, तो बटलर की अगर आप रीसेंट पारियां देखोगे, पहली बात जो नए लोग हैं उनको मैं समझा देता हूँ भाई ये वाला अपना चार्ट किस तरीके से, ये जो आप पिछली पारियां देख रहे हो लगातार भाई, ये है इनकी जो पिछली 6 पारियां रही हैं इस वेन्यू पर, और ये है हेड टू हेड में, ठीक है, एकदम रीसेंट वाली 6 लिखी है, मतलब ये इन्होंने अभी रीसेंट में खेली थी, उसके अलावा ये यहाँ से उससे पहले है, ये उससे पहले, ये उससे पहले, और ये उससे पहले, ठीक है, इस तरीके से। और जो आप ब्रैकेट में देख रहे हो ये है भाई किस इनिंग में इन्होंने रन्स बनाए हैं या किस इनिंग में इन्होंने विकेट्स लिए,
तो ये तो हो गया तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन थोड़ा इस टेबल से। अब जरा इसको देख लेते हैं। तो बटलर की बात करें तो भाई पिछले तीन पारियों से पहले इन्होंने 95 बनाए थे इस ग्राउंड पर। ओवरऑल अगर मैं पिछली छह पारियों में देखूं तो सिर्फ बटलर एक ही बार चला है इस ग्राउंड पर, एंड यहां से दो बार चला है आरसीबी के अगेंस्ट में। बट आरसीबी ने पिछले दो मैच जो खिलाए हैं बटलर को, दोनों में एकदम अंडे खिलाए, 0-0 पे आउट हुए, दोनों बार सेकंड बैटिंग करते हुए, एक बार सेकंड बैटिंग करते हुए 106 बना दिए थे। उससे पहले फर्स्ट बैटिंग का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, पता नहीं तो बटलर को क्या दिक्कत है सेम रनों पर आउट होने की, 8-8 में आउट हुए और एक बार इसने बनाया था 70। तो ओवरऑल अगर बटलर का रिकॉर्ड देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर यहाँ से है नहीं। तो मे बी रेश टोपले, इनकेस अगर रेश टोपले खेलता है, या फिर यश दयाल भाई, चांस है कि बटलर का विकेट निकाल सकते हैं। उसके अलावा संजू सैमसन की बात की जाए तो इन्होंने अब तक भाई पिछले छः में तीन पारियाँ तो ठीक खेली है, और ज़्यादातर आप देखोगे ना यहाँ से क्या बोलते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, तो या तो आपको फर्स्ट इनिंग दिखेगा या सेकंड दिखेगा। तो आज के लिए इनिंग वाइज तो देखो ज़्यादा है नहीं राजस्थान के प्लेयर्स में ज़्यादातर, बाकी पिछले छः में तीन ठीक खेली है, 66, 30 एंड 82 की है, जिसमें 82 तो इसी सीज़न आया था। उसके अलावा अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ आपको कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर जो है देखने को मिलता नहीं है, ठीक है, संजू सैमसन की तरफ से अगेंस्ट आरसीबी पिछले छः में। बाकी शिमरन हेटमायर जैसा मैं बोला था, ये सिर्फ एक ही बार चला है आरसीबी के अगेंस्ट में। तो चलो ऐसा है कि यहाँ से एक दो बार अच्छा किया है, स्पेशली बैट फर्स्ट करते हुए तो ठीक है, 42 और 29 का स्कोर है, दो तीन बार आउट भी हुआ है, ऐसा नहीं कि आउट नहीं हुआ है। बट इस वेन्यू पर अगर जनरली देखोगे ना तो 35 के अलावा आपको कोई स्कोर ही देखने को नहीं मिलता है हेटमायर की तरफ से सवाई मानसिंह स्टेडियम में। एक 35 बना दिया तो बस वही है, वही खत्म बात है, ठीक है। और ये जो 35 आया था ना, ये भी आरसीबी के अगेंस्ट में आता है, ये जो दोनों पारी है ये एक ही पारी है। बाकी रवि अश्विन है, विकेट की बात करें, अश्विन के नाम ऐसा है कि भाई सेकंड बॉलिंग करते वक्त ज़्यादातर, हालांकि की भी सेकंड ही है, बट यहाँ से विकेट ऐसा है कि पिछले छः पारियों में अश्विन के नाम सिर्फ चार विकेट है, ठीक है, इस ग्राउंड पर। उसके अलावा हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ भी आपको ज़्यादा तो देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। रिसेंटली में जो उन्होंने तीन मैच खेले हैं आरसीबी के अगेंस्ट में, वो तीनों में फर्स्ट बॉलिंग की थी, जिसमें दो में उन्होंने एक एक विकेट निकाले, और उससे पहले सब आपको सेकंड बॉलिंग देखने को मिलती है, जिसमें एक बार तीन विकेट थे, दो बार है विकेटलेस। तो अगर फर्स्ट बॉलिंग करें तो थोड़े बहुत चांस है अश्विन के कि भाई आपको एक विकेट में भी निकालता हुआ दिख सकता है। उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट है, ट्रेंट बोल्ट ने सही विकेट निकाले हुए हैं, दो बार देखो दो दो विकेट है, और फर्स्ट बॉलिंग करते हुए एक एक विकेट है। तो कहीं ना कहीं सेकंड बॉलिंग में मे भी आपको फुटबॉल का स्कोर देखने को मिल जाए बोल्ट की तरफ से। एंड इवन आरसीबी के अगेंस्ट में भी अगर आप देखोगे ना तो पिछले छः पारियों में हर मैच में आपको विकेट देखने को मिलता है सिर्फ एक के बार, ठीक है, एक को छोड़ दो तो पिछले छः में से पांच पारियों में बोल्ट ने अगेंस्ट आरसीबी विकेट चटकाए। लास्ट टाइम खेला था तो फर्स्ट बॉलिंग करते वक्त दो विकेट निकाल लिए थे। तो ओवरऑल बोल्ट फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड हो, दोनों में इंपॉर्ट बनता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें संदीप शर्मा के, तो संदीप शर्मा के नाम तो भाई विकेट ज़्यादा है नहीं इस ग्राउंड पर। पिछले छः मैचेस में से सिर्फ दो मैच में आपको विकेट देखने को मिलते हैं। और हेड टू हेड की जब हम बात करते हैं तो हाँ, यहाँ पर थोड़ा बोल सकते हो, एक तो हर बार ना फर्स्ट ही बॉलिंग किया, ये अलग चक्कर है संदीप शर्मा का। पिछले छः मैचेस जो उसने आरसीबी के अगेंस्ट में खेले ना, सब में फर्स्ट बॉलिंग किया, सब में, एक भी बार सेकंड बॉलिंग नहीं आई है, किस्मत है या कोइंसिडेंट जो भी हो, बट दो ही बार दो दो विकेट निकाले, बाकी एक बार एक विकेट है, बाकी बार आपको देखेगा कि विकेट लेस जाता हुआ है। उसके बाद में बारी आती है चहल की। इस ग्राउंड पर चहल का रिकॉर्ड है बहुत बढ़िया, बट अगेंस्ट आरसीबी चहल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पिछले चार मैचेस जो इसने आरसीबी के अगेंस्ट में खेले, सिर्फ एक ही दफ़ा विकेट लिया है, जो पिछले साल था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से ये जो दो विकेट देख रहे हो, ये तो है भाई जब ये मुंबई से खेलता था, ठीक है, और ये है जब पहली बार यहाँ से आरआर में आने के बाद में आरसीबी के अगेंस्ट में खेलता, उसके बाद तो एकदम ही ख़राब रिकॉर्ड है यहाँ से चहल का अगेंस्ट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो चहल का रिकॉर्ड वेन्यू बहुत बढ़िया है, हेड टू हेड सबसे ज़्यादा ख़राब है, बट ओवरऑल देखते हैं तो आई थिंक कि पिक करने लायक आपके पास में प्लेयर चहल यहाँ से बन जाता है, फर्स्ट इनिंग या सेकंड दोनों में ठीक है। अब आते हैं ज़रा आरसीबी की टीम के ऊपर। तो प्लेसेस इस ग्राउंड पर दो ही पारियां खेले हैं, जिसमें एक में 55 एक में 7 बनाए थे। और उसके अलावा अगर हम वेन्यू की बात हेड टू हेड की बात करें, आपको हर पारी में कम से कम 20-25 रन डू प्लेसेस की तरफ से देखने को मिले। एक बार 50 बनाए, एक बार और 62 था। उसके अलावा 25-25, 23 और 29 का स्कोर है, तो डू प्लेसेस ठीक है, बट जीएल में डेफिनेटली भाई ऐसा है कि आप रिस्क ले सकते हो। आज के लिए सिर्फ दो ही मेरे को जो खिलाड़ी बढ़िया लग रहे हैं, देखो एक बोल्ड प्रेडिक्शन बताऊं, मे भी विराट कोहली फ्लॉप हो सकता है, और मैक्सवेल डू प्लेसेस की तरफ से अच्छी पारी आ सकती है, दो चीज़ें हैं बस आज के लिए। उसके बाद में विराट कोहली है, विराट ने इस ग्राउंड पर ये जो 32 और 39 बनाया था, ये काफ़ी पुराना हो चुका है, आपको बता दूँ, उससे प्रीवियस जो है अभी रिसेंटली में ये तीन खेले हैं जिसमें 18, 23 और 4 का स्कोर है। तो विराट ने इस ग्राउंड पर ज़्यादा अच्छा किया नहीं है, एक बार ही आपको 39 हाइएस्ट देखने को मिलता है, उसके बाद में कोई भी बड़ी पारी नहीं है। एंड इवन अगर हम हेड टू हेड में नज़र डालें, यहाँ तो भाई आपको फ्लॉप की लिस्ट देखने को मिल जाती है, विराट अगेंस्ट आरआर फ्लॉप, एकदम ज़्यादा कुछ खास नहीं किया।
एंड बाकी अगर हम मैक्सवेल की बात करें, एक बार 54 बनाए थे, एक बार 17, और पिछली दो पारियां जो इन्होंने खेली है अगेंस्ट राजस्थान रॉयल, एक में 54, एक में 77 का स्कोर है। उससे पहले एक बार 24 था, फिर एक बार 0 पर आउट हुआ था, और फिर एक बार 50 मारे थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो रिडेम्पशन आज के लिए मैक्सवेल का हो सकता है। और उसके अलावा यहाँ से यश दयाल है, दो मैचेस खेले हैं यश दयाल ने इस ग्राउंड पर, दोनों बार विकेट लेस, और एक बार 3, एक बार 1 और एक बार 1 विकेट इन्होंने आरआर के अगेंस्ट में निकाला हुआ है। मोहम्मद सिराज की बात की जाए, मोहम्मद सिराज इस ग्राउंड पर कभी भी विकेट लेस गया नहीं है। हेड टू हेड में जो हम बात करते हैं तो भाई पिछले 6 मैचेस में से ऐसा है कि आपको सेकंड बॉलिंग करते वक्त आई थिंक ठीक ठाक मे बी एक दो विकेट यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं, फर्स्ट बॉलिंग में थोड़े से चांस कम रहेंगे। उसके बाद में लोकी फर्ग्यूसन है, इस ग्राउंड पर एक ही मैच खेला है जिसमें 0 विकेट है, बट अगेंस्ट राजस्थान रॉयल लोकी फर्ग्यूसन का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है, स्पेशली सेकंड बॉलिंग में। आज तक सिर्फ 3 ही मैच खेले इसने राजस्थान के अगेंस्ट में, जिसमें से सेकंड बॉलिंग करते वक्त 2 मैच खेले हैं, दोनों बार 3-3 विकेट लिए हैं, एक बार फर्स्ट बॉलिंग की थी विकेट लेस था। तो आपको पता चल गया लोकी फर्ग्यूसन सेकंड बॉलिंग करे तो एकदम उठा लेना है इनकेस अगर खेलता है तो, ठीक है। अब आते हैं जरा अपने प्लेयर बैटल के ऊपर। प्लेयर बैटल में बात की जाए तो भाई फाफ डू प्लेसिस है जो कि बोल्ट के अगेंस्ट में 94 बॉल में 4 बार आउट हो चुके हैं। महिपाल लोमरोर है चहल के अगेंस्ट में 3 बार विकेट गंवाए 23 बॉल में। दिनेश कार्तिक चहल के अगेंस्ट में 3 बार आउट हो चुका है यहाँ से 24 बॉल में। उसके अलावा नेक्स्ट बात की जाए विल जैक्स है, नांद्रे बर्गर के अगेंस्ट में 2 बार आउट हुआ है। तो इनकेस अगर विल जैक्स, भाई गलती से ऐसा है कि अगर आरसीबी डिसीजन लेती है विल जैक्स को ओपन कराने का, तो थोड़ा सा यहाँ से रखना दिमाग में कि विल जैक्स अगेंस्ट बर्गर यहाँ से ज़्यादा अच्छा नहीं खेलता है। और उसके बाद में ग्लेन मैक्सवेल है, ये संदीप शर्मा के अगेंस्ट में 2 बार आउट हो चुके हैं। बोल्ट ने भी इनको 2 बार आउट किया बट 34 बॉल में। रजत पाटीदार अगेंस्ट अश्विन 2 बार आउट हो चुका है। विराट कोहली अगेंस्ट आवेश खान यहाँ से 2 बार आउट हो चुका है, ठीक है। एंड बाकी यशस्वी जायसवाल है जो कि यश दयाल के अगेंस्ट में 2 बार, रोमन पावेल रीश टोपले के अगेंस्ट में, बट ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यशस्वी जायसवाल बटलर का है। बटलर आप देखोगे टोपले के अगेंस्ट में 2 बार आउट हुआ है और सिराज के अगेंस्ट में 2 बार विकेट गंवा चुका है। अब आते हैं सर अपनी टीम के ऊपर, भाई अपनी टीम क्या रहती है। देखो टीम में बात करूँ संजू सैमसन बटलर अभी के लिए जो एक सेफ टीम बन सकते हैं ना वो मैंने बनाई है, संजू सैमसन बटलर जायसवाल विराट कोहली एंड यंतन यहाँ से फाफ डू प्लेसिस हो गए। ऑलराउंडर सेक्शन में कैमरन ग्रीन है, ग्लेन मैक्सवेल है, रियान परागे, ग्रीन को हटा के आप किसी और के साथ में बिल्कुल जा सकते हो। रीश टोपले ट्रेंट बोल्ट एंड देन यहाँ से चहल हो गए। रीश टोपले की जगह पर यश दयाल या फिर मोहम्मद सिराज आपके पास में रहता है, क्योंकि मोहम्मद सिराज इस ग्राउंड पर कभी विकेट लेस गया नहीं है, एक ना एक विकेट तो लेकर जाता ही है, तो मतलब आपको 29 या 35 पॉइंट आराम से देखे जा सकता है, वो वाला काम है। कैप्टन क्या है मैंने मैक्सवेल को रिस्क लेकर, इवन अगर आप वाइस कैप्टन में रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है सेफ जाना है तो ठीक है वाइस कैप्टन विराट कोहली फिर एक सही ऑप्शन बन जाता है, बट अगर आपको रिस्क लेना है तो आई थिंक मैक्सवेल के साथ में वाइस कैप्टन या तो डू प्लेसिस कर देना और या फिर बटलर कर देना, क्योंकि बटलर रहेगा आज के लिए थोड़ा सा हिट और मिस टाइप, या तो बहुत अच्छी पारी या फिर बिल्कुल नहीं, या तो 10 से नीचे आउट है बटलर या फिर आपको बहुत बढ़िया एकदम 60-70 रन बनाते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये हो जाते हैं अभी के लिए जो टीम एंड सब चीज़ है। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो माइलन सर्कल का लिंक है उस माइलन सर्कल डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि 1 रुपये में 2 मेगा ग्रैंड लीग का जो टीम सब वो ज्वाइन कर सकते हो एंड फर्स्ट प्राइज भी ज़बरदस्त है, 1.5 करोड़ रुपये आप विन कर सकते हो। सोचो 1 रुपये में 2 टीम लगा के रिस्क लेके अगर जीत गए तो क्या बात। और जो ग्रैंड लीग टीम बनाओगे उसमें जो मैंने रिस्क बताए अभी विराट कोहली को ड्रॉप करने का, मैक्सवेल कैप्टन डू प्लेसिस कैप्टन, ये रिस्क जरूर ले लेना, ठीक है। बाकी 20% एक्स्ट्रा कैश भी आपको मिल सकता है आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर, तो बस बिल्कुल नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक जल्दी से डाउनलोड कर लो एंड डाउनलोड करने के 1 घंटे बाद तक ये ऑफर रहता है, तो ध्यान रखना। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो फटाफट से कर लो, एंड टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। बाकी आई होप कि गिव अवे का जवाब तो दे ही दिया होगा, बीच में एक क्वेश्चन आया था गिव अवे का, स्किप कर दिया, वापस देख लो मिल जाएगा, जिन्होंने जवाब दिया बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी चलो ऑल द बेस्ट आपको इस मैच के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जल्दी।